तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे 12th की फिजिक्स में। व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसके दो पार्ट हैं, ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो जहां तक रे ऑप्टिक का कंसर्न है, तो रे ऑप्टिक्स क्या है? तो ये कहता है कि बेसिकली ये बताता है कि लाइट नेचर कैसा है, पार्टिकल है। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स कंसर्न है कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल। लाइट नेचर कैसा है, पार्टिकल है। नेचर ऑफ लाइट हमारा ये पार्टिकल की तरह है। ठीक है, जिसमें हम लोग दो फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। एक फिनोमेना है रिफ्लेक्शन और दूसरी क्या है, रिफ्रैक्शन। यानी लाइट नेचर पार्टिकल मान करके हम दो फिनोमेना जो रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन है इनको हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर से हमें तो नहीं पढ़ना है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में हमें कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, जिसमें आप मिरर्स की बात करेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली मिरर की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के काम में मिरर, और भी कैसा, वो स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्शन में हम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ना है हमें, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा डिटेल हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में। अब जहां क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स का, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट नेचर कैसा है, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट नेचर कैसा है, इसमें हम लाइट नेचर को वेव मानते हैं। यानी लाइट जो प्रोपेगेट करती है इसका नेचर कैसा है, वेव की तरह है। ये डिटेल में हम जब पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसमें जो कंसर्न करेंगे पढ़ना है वो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इन तीनों फिनोमेना को हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन टू कर्व सरफेस। लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ प्लेन सरफेस के रिफ्लेक्शन फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है, अभी इस सिलेबस का हमारा पार्ट नहीं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन सरफेस से क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास एक मिरर है। ठीक है, ये कैसा मिरर है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है। तो मिरर बनते कैसे हैं, तो ग्लास से क्या करते हैं, इसके डाउनवर्ड सरफेस को हम लोग सिल्वर से पॉलिश कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है मिरर। प्लेन है ये सरफेस, प्लेन है, इसका नाम है प्लेन मिरर। अब इसमें होता क्या है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता क्या है? रिफ्लेक्शन फिनोमेना में कोई लाइट, देखो ये मीडियम हमारा फिक्स है, एक फिक्स मीडियम हमारा हो गया। ठीक है, इस मीडियम में एक लाइट हमारी इंसिडेंट कर रही है, देखिए कहाँ रही है, इस मिरर की तरफ, और इस सरफेस से टकरा करके उसी वापस उसी मीडियम में हमारी ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो इस फिनोमेना कहते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह से यहाँ जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This is called angle of incidence, this is called angle of reflection, this is called incident ray and this is called reflected ray. ठीक है, ये O कर देते हैं A and this is B, so OA is, this is called incident ray, OB is called reflected ray. This is called reflected ray, and this is ON, so ON is called normal. ठीक, ये बेसिक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, सब छोटे क्लासों में, बट यहाँ देख लेते हैं ON is called normal. अब इसमें आपको नई चीज क्या बतानी है,
मैं चीज ये बता रही थी, ये तो मैं पता है कि दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको बताना ये है कि जो भी एंगल हम मेजर करते हैं हम नॉर्मल को रिफ्लेक्स मानते हैं, यानी जो एंगल मेजर करेंगे हम इधर से मेजर करेंगे, एंगल का मेजरमेंट हमारा इधर से होगा. ठीक है, इसका मतलब कि ये जो रे यहां पर कोई रेज ऐसे सीधे आ रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. इस रे के लिए, ठीक है, ये रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. यानी ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, और इसी से हमको क्या करना है, एंगल को मेजर करना है. ठीक है, इसी को एंगल से, इसी रेफरेंस लाइन से हम एंगल को मेजर करेंगे. अब अगर हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई क्या है, दिस इज कॉल्ड इक्वल टू एंगल आर. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमको पता है. ठीक है, अब इसमें एक और हम डिस्कस करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं. कि सपोज करो हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, अब हम ध्यान से देखो कि ये लाइट ये सीधे ऐसे जाना चाहती थी, इसका पाथ ऐसे था, सीधे जाना चाहती थी, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और अपने पाथ से क्या हो, ये डेविएट हो गई. This is called angle of deviation, delta, and this is called angle of deviation. ये हमारा क्या है, angle of incidence I है, and this is called angle of reflection R. हम angle of deviation निकालना चाहते हैं कि angle of deviation कितना है, तो ये पूरा angle कितना हो जाएगा, ये pi हो जाएगा. ठीक है, so angle I plus angle R plus angle delta is equal to pi. This is equal to pi. So what is angle of deviation delta? So delta is equal to pi minus I plus R. ठीक है, I R कैसे है, तो same है, तो आप लिख सकते हो pi minus twice I R, pi minus twice R. So this is called angle of deviation. तो angle of deviation हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है ना, angle of deviation निकालने के लिए देखो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो एक हमने क्या देखा, एक हमने देखा कि कैसे हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, इस एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हमारा निकलता है. ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हमारा ये निकलता है. क्लियर, अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, अब हमारे सामने आएगा कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं. ठीक है, जैसे आपसे ये पूछा जाए, देखो बड़ा ध्यान से देखना इसको, इसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि सपोज हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, ये आपके पास मिरर है और इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट ऐसे जाएगी और सीधे रास्ते से वापस आ गई. ठीक, अब इसमें यह कहा जाता है कि अगर हम इंसिडेंट रे को ऐसे छोड़ दें, ऐसे पहने दें, और मिरर को क्या करें, इस मिरर को थीटा एंगल से इसको थोड़ा सा मूव करा दें, देखिए इसको ऐसे थीटा एंगल से हमने मूव करा दिया. ठीक है, इंसिडेंट रे को ऐसे रख करके हम क्या करेंगे, मिरर को हमने थीटा एंगल से मूव कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, अब देखो ये पूरा मिरर हमारा मूव कर चुका है, तो रिफ्लेक्टेड हमारी शिफ्ट हो जाएगी इधर की तरफ. ठीक है, ये अपने पोजीशन से कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस थीटा से मूव कर जाएगा. दोबारा देखो, इंसिडेंट रे ये है कब, इसके लिए जो ये नॉर्मली सरफेस है, इसके लिए इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी. ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से मूव करा दें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे यानी इंसिडेंट क्लियर हो जाएगी और इस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये अपने पोजीशन से क्या हो गया, 2 थीटा से ये शिफ्ट कर जाता है. यानी अगर मिरर को उसके पोजीशन से क्या करें, 2 थीटा से मूव कर, थीटा से मूव करा दें, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो क्या है, 2 थीटा से वो शिफ्ट कर जाती है. ठीक है, तो ये छोटे बेसिक हमारे छोटे-छोटे
जो टर्म्स है जो उनको प्लेन सरफेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और यूज कर ले कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या क्या चीजें नहीं बदलती है। जैसे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो इसकी स्पीड बदल नहीं बदलती है, स्पीड डज नॉट चेंज। इसकी स्पीड नहीं बदलती है, वेवलेंथ डज नॉट चेंज, यानी लाइट का वेवलेंथ नहीं चेंज होगा, स्पीड नहीं बदलेगी, वेवलेंथ डज नॉट चेंज। ठीक है, तो चेंज क्या होता है, तो चेंज इसकी इंटेंसिटी होती है, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे फिनोमेना जब रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ भी बदल जाता है, लेकिन रिफ्लेक्शन फिनोमेना में न तो स्पीड बदलती है न तो वेवलेंथ बदलती है। ठीक है, अगर बदलती तो हम कह सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये बेसिक हमारा क्या है, बेसिक हमारा रिफ्लेक्शन के लिए है कि अभी कैसा है, ये हमारा प्लेन सरफेस के लिए है। कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, तो अगर कोई उस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी आदमी है, ठीक है, तो आदमी जितना इस मिरर के सामने होगा उतना ही इमेज कहाँ बनेगा उसका, उतना ही अगर ये एक्स डिस्टेंस मिरर के सामने है तो इसका इमेज भी क्या बनेगा, इसका इमेज भी एक्स डिस्टेंस पीछे ही बनेगा। ठीक है, जितना मिरर के सामने होगा इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा। और क्या कहता है कि अगर किसी आदमी को अपनी पूरी इमेज को देखना हो, अपनी पूरी इमेज को देखना हो, तो यहाँ जो मिरर यूज करेगा उसकी हाइट क्या होगी, उसकी आधी होगी। अगर इसकी हाइट कितनी है, h है, तो मिरर की हाइट कितनी होगी, h by 2, इसके लिए अपना पूरा साइज का इमेज उसको देखने के लिए। और देख लेते हैं एक और कि अगर सपोज करो हमारे पास मिरर है, प्लेन मिरर ऐसे है, एक आदमी कोई खड़ा है इसके सामने, अगर हम इस मिरर को मूव कराएं u वेलोसिटी से तो इसका जो इमेज होगा हमको 2u से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे छोटे से टर्म्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे तो नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या टर्म्स थे हमारे पास, ये और फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन में आई इक्वल टू आर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजरमेंट हमेशा ये रेफरेंस हमारी लाइन होगी। फिर कहता है क्या, यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ डिविजन निकाल सकते हैं कि लाइट अपने पास से कितना डिविट हो रही है, जो किसके बराबर है, पाई माइनस ट्वाइस आर या पाई माइनस ट्वाइस आई के बराबर है। फिर कह रहा है कि अगर हम मिरर को अपनी पोजिशन से थीटा एंगल से मूव करा दें तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो थीटा से घूम जाती है। किसी भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की जितना पहले ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, उसका उतना ही पीछे बनेगा। किसी भी आदमी को अपनी पूरी हाइट को देखने के लिए उसको जो मिरर यूज करना होगा वो क्या होगा, उसकी हाइट का आधा होगा। और ये फिर कहता है कि अगर हमारा ये क्या है, स्टेशनरी है ऑब्जेक्ट, हमारा स्टेशनरी है, मिरर को यू वेलोसिटी से मूव कराएं टुवर्ड्स मिरर, तो इसका जो इमेज होगा हमको 2u से इसको आते हुए दिखाई देगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे कुछ प्लेन मिरर के लिए। तो अब हम प्लेन सरफेस पे से आकर के हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पे आ गए हैं और ये सिलेबस में हमको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है। तो इसमें करना क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है क्या। तो देखो सिंपल, हमारे पास ये ग्लास का एक स्फेरिकल हॉलो सरफेस है, ये ग्लास का स्फेरिकल हॉलो सरफेस है, और अगर हम इसको कुछ इस तरह से पॉलिश कर दें, ठीक है, इसको पॉलिश कर सकते हैं। तो पॉलिश करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसके आउटर सरफेस पे इधर ऐसे बाहर तरफ पॉलिश कर दें, इसको इस तरह से पॉलिश कर दिया जाए। हमारे पास ये क्या था, ये ग्लास हॉलो स्फेरिकल ग्लास था जिसमें हम कह रहे थे कि इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दें, या हम चाहें तो इसके इनर वाले सरफेस को भी पॉलिश कर सकते हैं, इसके इनर सरफेस को भी
पॉलिश कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनर सरफेस से पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन हमारा इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और अगर इधर आउटर सरफेस से पॉलिश करें तो ये इनर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अंदर वाले पॉलिश कर दे तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, बाहर वाले से होगा, और बाहर वाले को पॉलिश कर दे तो रिफ्लेक्शन अंदर वाले, यानी ये इनर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। और इसको ऐसे हम कट कर दें, अगर बीच में से कट कर दें तो हमारे पास इस तरह से दो सरफेस बन करके आ जाएंगे, ठीक है, दो सरफेस बन के आ जाएंगे। पहले सरफेस में हमने क्या देखा कि पॉलिश हमारा इनर पार्ट हुआ था, ये पॉलिश हमारा कहां हुआ था, इनर पार्ट हुआ था, और इसमें हमने क्या किया था, पॉलिश बाहर किया था, ये बाहर पॉलिश हमारा आउटर सरफेस हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन हमारा कहां होगा, इस आउटर सरफेस होगा, इस वाले में रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होगा और दूसरे वाले में रिफ्लेक्शन कहां होगा, इनर सरफेस से होगा। तो इस तरह से इस मिरर को कहते हैं, दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये दो तरह के मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। ये स्फेरिकल ग्लास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास था, ठीक है, इसमें पॉलिश करके इसके दो तरह से हम लोग मिरर बना सकते हैं, एक मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकंड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में इसके आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और कॉनकेव मिरर में इसके इनर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, क्या टर्मिनोलॉजी है चला देखते हैं। ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड सेंटर, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फीयर सी, तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वापस आते हैं यहां पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इस लाइन क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन भी हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, this point is called pole and this point is also called pole, ठीक है। फिर से देखो ये क्या है, this is the radius of sphere, तो यहां पे देखो ये बन गया radius, so this is called radius of curvature and this is also called radius of curvature। तो ये कुछ हमारे पास कुछ terminology थी जो हम लोग mirror में use करेंगे। कौन कौन सी terminology है, तो हमारे पास center of curvature की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, पोल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये टर्म हमको यूज करने हैं, चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे कैसा हो, कॉनकेव हो, ये सब में हमको यूज करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं और ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, this is C is called center of curvature, ठीक है, देखो C is called center of curvature, तो C is called center of curvature, ठीक है। this capital R is called radius of curvature, this capital R is called radius of curvature, तो basically radius of curvature क्या है, तो radius of curvature वो radius ही है किसका, ये जो mirror आपका जिस sphere का एक part होता है उस sphere का जो radius होता है that radius is known as radius of curvature, ठीक है। This point P is called pole. This point P is called pole. And this line, this ये जो line है, this is called principal axis. This is called principal axis. ठीक है? तो ये हमारी terminology होगी, इसमें इस mirror के लिए चाहे concave हो, चाहे convex हो, ठीक है? तो अब हम इसमें देखेंगे sine convention की बात करेंगे, जो बड़ा important role है। जो भी numerical लगाएंगे, तो numerical लगाने के लिए हमको sine convention की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, ठीक ना। अब हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। जो साइन कन्वेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह है
जो आपको मिरर में यूज करना है, मिरर चाहे कोई भी हो, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, इसी कॉन्सेप्ट को आप लेंस में भी यूज करेंगे, लेंस चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यानी पूरे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन को यूज करने का ये मेथड है और ये सबके लिए कॉमन है, क्योंकि जैसे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे वहां पे आपको साइन कन्वेंशन को यूज कर, साइन कन्वेंशन मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट, इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस, इनकी वैल्यूज को कैसे पॉजिटिव या निगेटिव में रखना है। तो इसके बड़े सिंपल से रूल है, देखो इसको दो तरीके समझेंगे। एक तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाए तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, और इधर जो डिस्टेंसेस होती हैं ये सारे डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस होती है कैसी होती है, ये डिस्टेंस हमारी निगेटिव, यानी ओरिजिन के राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में हमारा क्या हो गया नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया नीचे निगेटिव हो गया। ये तो हमारे पास मेथड है ही है। तो दूसरा मेथड ये कहता है, पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी लाइट होती है, जितनी भी लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, ठीक है। यानी कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हमेशा कहां से आएगी, हमेशा लेफ्ट से आएगी। पहला रूल कहता है कि इंसिडेंट रे हमेशा कहां से आती है, लेफ्ट से आती है। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल, कि सारे डिस्टेंस को हम पोल से मापते हैं, यानी ये पोल ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहां से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रूल से कहता है सारे डिस्टेंस को कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल। थर्ड रूल, थर्ड क्या कहता है कि लाइट के चलने के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस पॉजिटिव, लाइट जब ऐसे जा रही है और इधर की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी इधर की जो भी डिस्टेंस नापेंगे ये डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। दोनों तरह से क्लियर हो गया, ये एक्स एक्सिस में इधर की डिस्टेंस कैसी पॉजिटिव है, और यहां से भी कि लाइट के चलने के डायरेक्शन में डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ आते हैं, लाइट चलने के अपोजिट, देखो इधर की डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव। तो लाइट हमारी ऐसे चल रही है और ये डिस्टेंस, इधर के डिस्टेंस को आप यहां से नापोगे तो ये डिस्टेंस कैसी होगी, ये डिस्टेंस हमारी, ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी क्योंकि लाइट के अपोजिट हो गया, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी इधर कोई ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, इसकी हाइट कैसी होगी, ये जो हाइट होगी वो हमारी पॉजिटिव, ठीक है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई हाइट है, इस हाइट को क्या लेना है, नेगेटिव, इस हाइट को क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास फिफ्थ रूल हो गया और ये हो गया सिक्स्थ रूल, ठीक। फिर से क्लियर कर लेते हैं, पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल स्टेट दैट ऑल द लाइट कम फ्रॉम लेफ्ट साइड, सारी लाइट कहां से आती है, ये सारी लेफ्ट से आती है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल स्टेट दैट All the distance is measured from pole. Third क्या कहता है? If distance is taken positive in the direction of flow of light, जिधर light travel कर रही है उधर का distance कैसे करते हैं? Positive. और light के चलने के opposite में जो distance कैसा लेते हैं? Negative. Principal axis के ऊपर height को positive और principal axis के नीचे की height को negative. ये basic common rule है। ये common rule हमारा सबके लिए है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सबके लिए फॉर्मूला को यूज करना है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे ताकि हमको न्यूमेरिकल करने में आसानी हो, ठीक है। जैसे आपको डिस्टेंस मान लो कि आपको दिया है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपसे दिया है कि मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स इस यू को क्या लेना है, यू को नेगेटिव लेना। आपसे कह दिया जो इमेज का फॉर्मेशन है, इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है और ये क्या है, इसके डिस्टेंस कितनी मान लो कह दिया 30 सेंटीमीटर, ये 30 कैसा होगा, ये बी हमारा कैसा होगा, प्लस 30, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट, हाइट ऊपर इधर देखिए, इस हाइट को क्या पॉजिटिव और इसका इमेज अगर इधर नीचे बन रहा है इसको कैसे लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा क्या है,
साइन कन्वेंशन का ये रूल है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अभी हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यानी बेसिक चीज हमको ये पता होना चाहिए कि इमेज को फॉर्म करने के लिए हमारा बेसिक रूल क्या क्या है, ठीक है। तो वो मिरर हो, फिलहाल तो हम मिरर के लिए यूज कर रहे हैं, तो किसी मिरर, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें क्या रूल्स है, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल हमारे पास बन करके आते हैं। तो देखो एक एक करके देखते जाए, पहला रूल हमारा हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि अगर कोई लाइट, देखो ये लाइट भी लाइट क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आती है तो वो कहां से गुजरती है, वो उसके फोकस से गुजरती है। देखो भाई अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से गुजरेगी, वो उसके फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरा रूल, अच्छा ये रूल हम लोग इसके लिए बना सकते हैं, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, क्या कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट यहां आ रही है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से। यहां क्या होगा कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो अंदर तो जा नहीं पाएगी, यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये क्या होगा, ये लगता है फोकस से आती हुई दिखती है, यहां पे फोकस से जाती हुई जाती है, और यहां से क्या लगता है, यहां से लगता है कि लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। पहला रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। यहां क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से आती हुई दिखती है। सेकेंड रूल किसके लिए, कॉनकेव में, तो ये कहता है कि अगर कोई लाइट फोकस से गुजरेगी, अगर कोई लाइट फोकस से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर कोई लाइट फोकस से गुजरेगी, यहां देखो ये हमारा फोकस हो गया, कोई लाइट आ रही है और फोकस से गुजरेगी तो गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। इस चीज को हम इसमें भी दिखा सकते हैं कि अगर कोई लाइट फोकस, या जो ये क्या है, फोकस है, फोकस की तरफ आ रही है, अगर कोई लाइट फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यहां देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, देखो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसी रास्ते से ये वापस आ जाती है, ठीक है। तो वापस आने का मतलब क्या है, ये लाइट सरफेस पे नॉर्मल हो जाती है, ये चीज को यहां भी दिखा सकते हैं कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या है, वहीं से वापस हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो बेसिक रूल्स हमारे हैं, बेसिक रूल पहला क्या कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाती है। अगर कोई लाइट फोकस से गुजरती है तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है उसी रास्ते से वापस हो जाती है। इसका मतलब ये लाइट जो सरफेस पर कैसी है, नॉर्मल है। ये चीज यहां कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई दिखती है, फोकस की तरफ जाने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली लाइट टकरा के उसी रास्ते से वापस हो जाती है। तो ये हमारा बेसिक रूल हो गया इमेज के फॉर्मेशन की। अब जब हमको रूल्स पता चल गए हैं तो हम लोग डिफरेंट पोजिशन पे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे, रूल्स हमने पढ़ लिया कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब उस रूल्स को पढ़ते हुए हम लोग आगे हम इमेज के फॉर्मेशन को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे है तो इमेज हमारा कहां पे बनेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में पहले जो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है। अगर हमारा ये एफ होगा और यहां हमारा सी है तो ऑब्जेक्ट हमारे यहां पे है, देखिए ये ऑब्जेक्ट
इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। इमेज कैसे बनेगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली दो रेस रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिलती हैं, जहां पे कट करेंगी, वही इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इसे दो रेस निकालते हैं। तो पहले तो हम रे निकालते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और हमने देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली रेस उसी रास्ते मिरर से टकरा के उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो देखो ये रेस हमारी चली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई और टकरा करके इसी रास्ते से वापस आ गई। दूसरी लाइट कहां जाएगी, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट कहां जाती है, फोकस से गुजरती है। तो ये हमारा हो गया फोकस। इस तरह से दोनों रे आपस में यहां कट करेंगे, इसको मिला देंगे और यहां एरो बना देंगे। ठीक है, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज बना, ए बी का इमेज बना वह बना ए डैश बी डैश। तो पहली चीज कि ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में बना। कैसा बना, छोटा बना, और कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, रियल का मतलब क्या है कि ये दोनों रे जो दोनों रे हैं रियली एक दूसरे को कट कर रही है। इस तरह से इसका इमेज कैसा बना, रियल बना। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड उसका पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। देखो अगर तो ये ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इसका इमेज हमने बना लिया। सेकेंड कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हमें वही काम करना होगा कि एक लाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जाने पर कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और अगर एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ले जाए तो टकरा कर कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए अगर लाइट कहां जाए, फोकस से गुजर रहे तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कहां बनेगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, और कितना बड़ा बनेगा, सेम साइज। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसका जो इमेज मान कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। देख लो दोबारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई टकरा के इसके फोकस से गुजरी, और लाइट अगर फोकस से जाती है तो टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस तरह से दोनों कट करेंगे, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इसका इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, और कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। थर्ड फॉर्मेशन है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो क्या होगा। तो देखो ये फोकस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। तो पहले देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई और कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और दूसरी लाइट कहां जाएगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। देखिए ये लाइट यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक है, ये लाइट कहां जाएगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, टकरा करके वापस आएगी, और वापस आके इन दोनों आपस में ये मिल जाएंगे। इस तरह से देखो क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना, बड़ा बना। देखो फिर से दोबारा देखो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई टकरा के कहां से गई, इसके फोकस से गुजर गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई सीधे, तो टकरा के कहां गए, उसी रास्ते से वापस आ गई, और ये दोनों आगे चलकर के मिलती है। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट ए बी का जो इमेज बना कैसा बना, ए डैश बी डैश, यानी बड़ा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है, नेक्स्ट केस में और आगे बढ़ते हैं, यानी फोकस पहुंचते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहा फोकस पे, तो इसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइन कहां से गुजरेगी, ये फोकस से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली लाइन क्या होगी, उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल हो गए, यानी ये कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी, ये मिलेगी इन्फिनिटी पे। इस तरह से इमेज हमारा कहां बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड और इन्फिनिटिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो तो क्या होगा। देखो ऑब्जेक्ट हमारा यहां है तो इसका इमेज कहां फॉर्म,
ये पोल हो गया, फोकस हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, और ये क्या रहेगा क्या कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन क्या जाएगी, ये जाएगी टकरा किसी रास्ते से वापस आएगी, ये दोनों लाइन के पैर की जाएगी, इनको करते क्या है इनको पीछे मारा होगा, पीछे मारने के लिए जाके मिलेगी, जहां मिलेगी इसका इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। स्पेशल केस हो गया कि इसमें कॉन्केव में इमेज हमारा सीधा ही बनता है, बट स्पेशल केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, फोकस फोकस और पोल के बीच। और फाइनली हमारे पास आता है क्या, कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं रखिए, देखिए ऑब्जेक्ट को कहीं रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कहां से गुजरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, और क्या लगेगा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और लगता है ये फोकस से आती भी देखती है, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट ले जाएगी, तो जहां कट करेगी इस तरह से इसका इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये डिटेल हो गया हमारे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें, कैसे इमेज फॉर्म हुआ था। तो पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था। इसका इमेज क्या होगा, तो इसका इमेज बनने के लिए इसे दो रेज निकलेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से गुजर गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने लगे, चढ़ा करके वापस आ गई। इस तरह से जहां ये कट करती है, इन दोनों का इमेज, इसका इमेज बना, कैसा बना इमेज और कहां बना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, कैसा बना रियर बना, ये दोनों रे रियर कट करें तो रियर बना, इन्वर्टेड बना, और कैसा बना इसे छोटा बना, स्मॉल बना। नेक्स्ट केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो दो रे चलती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो चल करके फोकस से गुजर जाती है और एक फोकस से गुजर के वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, दोनों रे कट करती है। इस तरह से जो इमेज बना कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और सेम साइज का जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने साइज का हमारा इमेज भी बन रहा है। थर्ड केस हमारा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस के बीच में है, इस तरह से हमारे पास जो इस इमेज से ऑब्जेक्ट से चलने वाली इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चलती है, फोकस से गुजरती है, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल करके वापस आती है, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनता है, ठीक है। कैसा बना रियर बना, रियर बन रहा है, उल्टा बन रहा है और उस ऑब्जेक्ट से बड़ा। जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां है फोकस पे है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां है फोकस पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इसका फोकस हो गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली लाइन वापस टकरा करके वापस आ गई, ये दोनों रे पैरेलल हो जाती है, तो पैरेलल कहां मिलती है इन्फिनिटी बनती है, मिलेगी। इस तरह से इसका इमेज कहां बनेगा इन्फिनिटी बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड और बड़ा बनेगा। तो इन चारों केसेस में जो इमेज थे हमारे रियल बन रहे थे, उल्टा बन रहा था, लेकिन कॉन्केव मिरर में स्पेशल एक ऐसा केस आएगा जब इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो जाता है, फोकस और पोल के बीच में, तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन फोकस से गुजर गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली लाइन टकरा करके वापस आ गई। तो हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन के नीचे क्या है, ये दोनों लाइन आपस में फैलते जा रही हैं, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाते हैं, तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज ए एस बी एस बनता है और कैसा बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बिहाइंड मिरर वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज बन रहा है। और अब हम आते हैं तो सारे कॉन्केव के केसेस थे, अब कॉन्वेक्स में आते हैं, तो कॉन्वेक्स में बस एक ही केस होता है, ऑब्जेक्ट को आप मिरर में आप कहीं भी रखो, तो पहले देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो कहां जाएगी, ये टकरा के फोकस से आती भी दिखती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली रेस क्या हो गया वो टकरा के उसी रास्ते से वापस चली जाती है। तो इस तरह से ये आपस में फैल के चले आगे चली जाएंगी, पीछे बढ़ाने के लिए दोनों कट करती है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा बना, कैसा बना ये हमारा बिहाइंड मिरर बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना और कैसा बना इससे छोटा बना, देखो इससे कैसा बना ये हमारा स्मॉल बना, ठीक है। तो फाइनली हमने इमेज के फॉर्मेशन देख लिया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम मिरर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे,
कि मिरर के लिए क्या फॉर्मूला हमारे है, तो मिरर का फॉर्मूला जो हमको पता है कि वन अपॉन एच इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये कॉनकेव मिरर लिया, अच्छा ये जो मिरर फॉर्मूला है वो कॉन्वेक्स के लिए भी है और कॉनकेव के लिए भी है। तो अब हमारे पास कॉनकेव मिरर के सामने हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इमेज फॉर्मेट हम देख चुके हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी और इसका इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के हमने क्या बताया था कि एक लाइट आप लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जो कहां से गुजरेगी वो उसके फोकस से गुजरेगी, देखिए ये इसके फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी लाइट कहां जाएगी, दूसरी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और जो उसी रास्ते से क्या होगी वापस हो जाएगी। तो देखिए ये लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, जो मिरर से टकरा करके क्या होगा उसी रास्ते से वापस आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी और ये मिरर से टकरा करके और उसी रास्ते से ये वापस आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, दोनों आपस में कट कर रही है, इस तरह से ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। जो इमेज बना जो क्या बन गया हमारा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब इसमें एक रे हम और कंसिडर करेंगे जो इस पोल से टकरा करके वापस आ रही है, देखिए तो एक रे हमारी ये जा रही है, ये रे जा रही है, यहां टकराएगी और टकरा करके ऐसे सीधे हमारे ऐसे वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से ये रेस कट कर रही है और फाइनल रेस हमारा बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, ये पोल हो गया, ये आपका एफ हो चुका है, ठीक है। प्रूफ हमको ये करना है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कहां है ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या खास बात दिखा है। तो यहां देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे हैं सेम है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है सिमिलर होंगे इस तरह से। तो आप क्या करेंगे इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ट्रायंगल के दोनों जो लेंथ है ना, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों का रेशियो क्या होगा, बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बी डैश सी अपॉन बी सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है ना। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं, ट्रायंगल का नाम है ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये इंसिडेंट एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल कौन सा हो गया, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, यहां क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, आप देखिए इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में हम रेशियो फिर से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस इज इक्वल टू बी डैश बी अपॉन बी, देखो भाई ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश बी डैश, बी डैश बी अपॉन बी पी के बराबर। इक्वेशन नंबर टू, अब जहां देखा जाए इक्वेशन वन और टू में दोनों में आरएचएस इसका कैसा है सेम है, तो दोनों का आरएचएस भी कैसा होगा सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या लिख रहा है हमको, तो वन और टू से क्या लिखेंगे बी डैश सी अपॉन बी सी is equal to b dash c upon b c is equal to b dash p upon b। अच्छा
अब इसके पहले हम जरा क्लियर कर लो कि भाई क्या क्या चीजें और दी गई है। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा यू होगा, बट साइन कन्वेंशन लेंगे तो ये माइनस इसको यूज करेंगे। ये इमेज है, ये डिस्टेंस क्या होगा, वी होगा, इसको भी साइन कन्वेंशन किस तरह, इसको माइनस वी यूज करेंगे। सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ क्रेचर, ये और ये डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ क्रेचर, ये आर हो जाएगा, और ये एफ पी हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो इसमें बी डैश सी, बी डैश सी क्या है, ये डिस्टेंस बी डैश सी, ये वैल्यू हमको पता तो नहीं है, बी डैश सी की वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो बी डैश सी निकालने के लिए हम सीपी में से, सीपी में से बी डैश सी को हटा दें, क्या करें, सीपी में से बी डैश सी को हटा दें, ये क्या देगा, इट गिव्स बी डैश सी। बीसी ये डिस्टेंस नहीं पता है, बीसी नहीं पता तो क्या करेंगे, बीपी में से सीपी को हटा देंगे, तो बीपी में से सीपी को हटा देंगे, ठीक है, और बाकी यहां तो पता ही है बी डैश पी अपॉन बी तो पता ही है। अब सारी वैल्यूज को हम साइन कन्वेंशन के साथ इसमें रखेंगे, सीपी कितना है, देखो सीपी क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सीपी क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको लिखेंगे माइनस आर माइनस बी डैश पी, बी डैश पी क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस आप देखेंगे माइनस बी डिवाइड बाई बीपी, वॉट इज बीपी, बीपी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस यू माइनस सीपी, सीपी द रेडियस ऑफ कर्वेचर विथ माइनस आर इक्वल टू दोबारा बी डैश पी, बी डैश पी ये क्या हो गया, ये बी हो गया, सो विथ माइनस बी एंड बीपी, बीपी इज यू दैट इज माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बीच में प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस आर प्लस बी डिवाइड बाई माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू बी अपॉन यू। दोनों तरफ का मल्टीप्लीकेशन कर दे, हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर दे, मैं क्या मिल करके आएगा, मल्टीप्लीकेशन करिए माइनस आर यू प्लस यू बी इज इक्वल टू माइनस यू बी प्लस वी आर। ठीक, इस यूवी को इधर कर देते हैं, आर यू को इधर कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो एक तरफ कर दे तो हमें इधर, देखो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस यूवी, और इधर कर शिफ्ट करेंगे वी आर और यू आर, ये हो गया यू आर प्लस वी आर। ठीक है, इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं यू वी आर, तीनों में डिवाइड कर दी यूआर से, तो ट्वाइस यू बी अपॉन यू बी आर, यू आर अपॉन यू बी आर प्लस बी आर डिवाइड बाई यू बी आर, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास ट्वाइस आर इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू, R is equal to twice F, since R is equal to twice F, तो आप लिख सकते हैं twice upon twice F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, 2 से 2 कैंसिल कर दो, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया मिरर फॉर्मूला, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। तो ये मिरर फॉर्मूला हमारा था जिसमें सिंपली हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर दिया 1 अपॉन h इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, सिंपल तरीके से है, आपको इसको याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन से लगाते समय याद रखना है कि जो वैल्यू दे रहे हैं इस वैल्यूज को हम यहां माइनस और प्लस के साथ रखेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ ही रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉनकेव मिरर है, देखो कॉनकेव मिरर का फोकल इस साइड में होगा और ये f कैसा होगा, ये f हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आप देखिए कॉनकेव निमित्त लगाते समय आपको दिखाएंगे कैसे करना है, तो अभी थोड़ा सा इसका मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं कि इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो देखो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, यानी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज रेशियो, रेशियो ऑफ
साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम में क्या कह रहा है, डायग्राम में देखो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है ध्यान से देखना, मैग्निफिकेशन इज द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये इसको मान लेते हैं एच वन और इसको मान लेते हैं एच टू, सो मैग्निफिकेशन एन इज रिटन एज एच टू बाई एच वन, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अपने इसमें, तो मैग्निफिकेशन एन जो होगा या यहां देखो अभी हमने निकाला था ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हमारे पास आया था, देखो ए डैश बी डैश इक्वेशन टू से, यानी एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी एंड दिस इज इक्वल टू बी डैश बी अपॉन बी, ठीक है, ये मतलब तो मिल गई थी एच टू अपॉन एच वन, साइज ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये इस बराबर बी डैश बी अपॉन डी के बराबर। लेकिन जरा यहां देखते हैं कि एच टू अपॉन एच वन क्या ये हमारा हाइट नीचे है, ये कैसा होगा नेगेटिव होगा, और ये एच वन कैसा है एच वन हमारा पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू हो गया माइनस एच टू अपॉन एच वन बी डैश पी अपॉन बी पी, देखो भाई बी डैश पी कितना है, ये माइनस बी है और बी पी कितना है माइनस यू, ये हो गया माइनस बी बी डैश पी अपॉन माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या है, एम इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन है, ठीक है, तो देखो ये आप जब इसको हटाओगे तो ये बी अपॉन यू हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो एम इज इक्वल टू ये माइनस एच टू अपॉन एच वन, सो एच टू अपॉन एच वन विल बी माइनस बी अपॉन यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये क्या बताता है, किसी भी मैग्निफिकेशन में जो निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन आएगी तो क्या होगा, इसको क्लियर कर लो, यहां मैग्निफिकेशन कैसे आ रहा है निगेटिव। अब हमारे क्वेश्चन ले आते हैं, क्वेश्चन ये कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, मान लो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी यू कैसा है 30। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यू कितना दिया है माइनस 30, इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है हमारा 15 सेंटीमीटर, इमेज कितना बन रहा है 15 दैट इज माइनस 15, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या है तो माइनस क्या है माइनस बी का मतलब बीबी कितना हो गया माइनस 15 अपॉन माइनस 30 और सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2, तो मैग्निफिकेशन कैसा आ गया निगेटिव, एम कितना आ गया एम आ गया माइनस 1/2, तो निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपका जो इमेज बन रहा है रियल और इन्वर्टेड, यानी मैग्निफिकेशन हमारा कैसा है ये अगर निगेटिव है, ठीक है, इट मीन्स इमेज कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, कैसा है रियल और इन्वर्टेड, ये आ जाइएगा मैग्निफिकेशन अगर हमारा कैसा है निगेटिव है तो इमेज कैसा बनेगा रियल और इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन कैसा है एम हमारा कैसा है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा इमेज हमारा वर्चुअल होगा, एरो कैसा होगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में दिया रहता है या आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ता है, ठीक। इस फॉर्मूले में आप चाहो तो एक तरीके से और चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन को हम चाहो तो फोकल लेंथ के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन को फोकल लेंथ के टर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा एम इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ, इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग एम इज इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन